हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब में। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार है और रंग ऐसे ही आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर्स के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और क्वेश्चन होगा, शहीद भगत सिंह के पैतृक गाँव का नाम बताएं जहाँ पर पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर ने शपथ ली है। मैप के थ्रू बताएंगे भगत सिंह के बारे में भी और भगवंत मान के बारे में भी। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ है, मीटिंग हुई है, तो उसमें किस नए चौथे सदस्य देश ने हिस्सा लिया है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने ओडीआई में 250 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की नई सीईओ और एमडी कौन बन गई हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान हुआ है, तो पुरुष और महिला क्रिकेट में कौन कौन है। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, उन सब पर बात करेंगे। और दोस्तों, लाइक बटन जरूर दबा देना। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव का नाम बताएं जहां पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ ली है। आंसर होगा खटकर कला। ये नाम आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब तक जब भी हम लोग चर्चा करते थे या जब भी पढ़ते थे ज़्यादातर किताबों में, तो यही था कि शहीद भगत सिंह के जन्म स्थान के बारे में हम लोग बात करते थे, जो कि लायलपुर पंजाब में है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है उनके पैतृक गांव के बारे में। पैतृक गांव मतलब उनके दादा परदादा, इन सब का गांव। ओके, तो ये पंजाब है, पंजाब में यहाँ पर है ये पैतृक गांव उनका, खटकड़ कला। वैसे उनका जन्म हुआ था लायलपुर में, तो ये भी बात बताएंगे आपको कि कैसे इनका परिवार यहाँ से शिफ्ट होकर लायलपुर चला गया था, करीब 250 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो सबसे पहले शपथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, तो उन्होंने नए चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को शपथ दिलाई पद और गोपनीयता की। और पंजाब में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई मुख्यमंत्री राजभवन के बाहर उसने शपथ ली हो। तो खटकर कलां ये किस जिले में स्थित है, तो नवा शहर कहते हैं, अब उसका नाम है शहीद भगत सिंह नगर। ओके, भगवंत मान आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। 2022 का भी विधानसभा चुनाव हुआ है। पंजाब में टोटल जो विधानसभा सीट है वो 117 है और आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीत ली हैं। अब सवाल हुआ कि भगवंत मान पंजाब के कौन से में चीफ मिनिस्टर हैं, तो अगर चेहरे की बात करेंगे तो उस ढंग से वो 17वें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर कार्यकाल के हिसाब से देखेंगे तो पंजाब के 25वें चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, दो बात है, चेहरे के लिहाज से ये 17वें हैं और कार्यकाल के लिहाज से ये 25वें हैं। कार्यकाल के लिहाज से मतलब एक ही व्यक्ति दो बार तीन बार मुख्यमंत्री बन गया, तो उन सबको जोड़ लिया गया, तो उस ढंग से। तो शहीद भगत सिंह के बारे में बात करेंगे, उससे पहले इनके बारे में कुछ बातें बताता हूँ आपको, भगवंत मान के बारे में। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था पंजाब के संगरूर जिले में, वहाँ के सतोज गाँव में 1973 में। 1992 में इन्होंने बीकॉम की पढ़ाई छोड़ दी, बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद ये कॉमेडियन बन गए और कॉमेडी के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा खासा नाम भी कमाया। 2011 में इन्होंने राजनीति का के सफ़र की शुरुआत की, 2011 में। उसके बाद 2012 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े, हार गए। 2014 में ये आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और संगरूर लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद चुने गए। 2015 में पत्नी इनसे अलग हो गई। 2019 में दूसरी बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर ये सांसद चुने गए संगरूर जिले से, और 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं ये। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है ये भी। और ये भी सवाल होता है कि भगवंत मान ने खटकर कलां में ही क्यों शपथ ली। भगवंत मान जो है वो शहीद भगत सिंह को काफ़ी सम्मान देते हैं और मानते हैं उनको, और जब कॉमेडियन बनने की शुरुआत की थी तो वो वहाँ जाते रहे हैं, जब भी सांसद बने तब वहाँ पर गए उस गांव में। अब बात कर लेते हैं भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला के बारे में। देखिए, शहीद भगत सिंह उनका जन्म यहीं पर हुआ लायलपुर में, ये पाकिस्तान का इलाका है इधर वाला। ओके, और ये लायलपुर है, जन्म हुआ यहाँ, परवरिश भी यहीं पर हुई, लेकिन वो अपने दादा अर्जुन सिंह के साथ बचपन में
छुट्टियां बिताने के लिए पैतृक गांव खटकर कलां आया करते थे, यहां पर मतलब यहां से यहां आते थे। ओके, मुद्दा समझ गए। खटकर कलां पंजाब के नवा शहर जो कि अब है शहीद भगत सिंह नगर, वहां पर ये गांव स्थित है। और खटकर कलां में शहीद भगत सिंह की का जो पुश्तैनी मकान है वो आज भी मौजूद है। पुश्तैनी मकान का ये बाहरी हिस्सा है और अगर अंदर जाते हैं तो ये इस तरह से वो मकान अभी भी सुरक्षित है और इसे शहीद भगत सिंह के परदादा फतेह सिंह नाम था, उन्होंने 1885 में इसका निर्माण करवाया था। 1885 में ये बिल्डिंग है, हालांकि इसके पीछे कुछ इससे भी ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन ये है बिल्डिंग भगत सिंह का पुश्तैनी घर है। ओके, पुश्तैनी मतलब उन्होंने खुद नहीं बनवाया, भगत सिंह ने उनके पिता या दादा या परदादा ने बनाया, तो ये घर इनके परदादा ने बनवाया था 1885 में। ओके, 1885 में इसको दीवान खाना भी कहा जाता था। निर्माण इस उद्देश्य से कराया गया था कि आने जाने वाले लोग भी यहाँ पर रुक सकें। और अब इस मकान को हेरिटेज घोषित कर दिया गया है और देखभाल पुरातत्व विभाग करता है। पंजाब सरकार ने यहाँ पर एक विशाल म्यूजियम का भी निर्माण कराया हुआ है। ओके, अब सवाल होता है कि खटकर कलां से लायलपुर क्यों शिफ्ट हुआ भगत सिंह का परिवार। इंटरेस्टिंग है, समझना भी ज़रूरी है, मैप के थ्रू आपको बताते हैं। तो यहाँ है खटकर कलां पंजाब में और ये पाकिस्तान में है ये लायलपुर। ओके, शिफ्ट होने के दो तर्क दिए जाते हैं इतिहास में। पहला तो ये है कि खटकर कलां में यानी उस वक्त भारत में प्लेग फैला था और उसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने गांव के लोगों को यहां से शिफ्ट करवाया था लायलपुर की ओर, ताकि वहां खेती कर सकें और लालन पालन कर सकें अपने परिवार का। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि 1849 में अंग्रेज़ों ने जब पंजाब का कब्जे वगैरह कर लिए थे तो चिनाब और झेलम नदी के आसपास के जंगलों को साफ करवाया था और वहाँ पर गांव बसाए थे यहाँ पर, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा हो सके और देश में जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। तो भगत सिंह के परदादा जो है यहाँ से फिर शिफ्ट हो गए लायलपुर में। यहाँ पर घर मौजूद था और आना जाना लगा रहता था परिवार के लोगों का। ओके, तो भगत सिंह का फिर जन्म यहाँ पर हुआ लायलपुर में। भगत सिंह के परदादा थे फतेह सिंह और भगत सिंह के दादा थे अर्जुन सिंह। ओके, तो अर्जुन सिंह के तीन बेटे थे, किशन सिंह, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, वो सब आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे। अजीत सिंह ने तो एक लहर चलाया था, पगड़ी संभाल चट्टा। ओके, तो शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक गांव और ये पैतृक उनका घर अभी भी सजो कर रखा गया है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। जन्म स्थान है लायलपुर पाकिस्तान में, पैतृक गांव है खटकर कलां। ओके, खटकर कलां। माता पिता का नाम क्या है? माता का नाम विद्यावती है और पिताजी का नाम है किशन सिंह। एजुकेशन की बात करें भगत सिंह का, तो DAV हाई स्कूल लाहौर में उन्होंने पढ़ाई की थी और बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर में। कौन कौन से संगठन में वो जुड़े रहे? तो नौजवान भारत सभा, क्रांति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, और किन से वो इंस्पायर थे? तो सरदार करतार सिंह सरबाह, कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और मिखाइल बकुनिन, इन सबसे काफ़ी प्रभावित थे। निधन कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में अंग्रेजों ने फांसी दी थी। आज़ादी के लिए लड़े और शहीद हुए। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी शहीद भगत सिंह ने? तो उन्होंने लिखी थी Why I Am Atheist, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और जेल डायरी। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। और चूंकि बात यहाँ हो रही है भगत सिंह के पैतृक गांव की, तो इसलिए इतना जानना ज़रूरी था और संभव है कि आने वाले वक्त में तमाम जो एग्ज़ामिनेशन है, चाहे UPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, उन सब में, या स्टेट PSC हो, पुलिस के एग्जामिनेशन हो, उन सब में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन होगा, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 250 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है?
आंसर होगा झूलन गोस्वामी। न्यूज आप देख रहे हैं द हिंदू का, स्टार स्पोर्ट्स है उस पर, ओके। और ये रही झूलन गोस्वामी, भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाज हैं। 16 मार्च 2022 को ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, रिकॉर्ड बनाया। तो झूलन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट ले चुके हैं, ओके, ओडीआई में यानी वनडे में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि ये टोटल जो करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डेली का करंट अफेयर्स पीडीएफ फ्री रहता है, और 2021 और 2022 का अब तक का अगर टोटल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेंबर बन सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है, ओके, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की नई सीईओ और एमडी कौन बन गई हैं, किसे बनाया गया है? आंसर होगा प्रभा नरसिम्हन। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू के बिजनेस लाइन में नई सीईओ और एमडी बन गए हैं। फोटोग्राफ ये रहा, उनकी नियुक्ति अभी तो कर दी गई है लेकिन वो ज्वाइन करेंगी यानी इस पद पर काम शुरू करेंगे 1 सितंबर 2022 से, ओके। इससे पहले वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, उसकी मार्च 2022 में मीटिंग हुई है, तो उसमें किस नए सदस्य देश ने, किस नए मेंबर कंट्री ने हिस्सा लिया है पहली बार? आंसर होगा मॉरिशस। न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो इससे पहले इस जो ये जो कॉन्क्लेव है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, वो त्रिपक्षीय हुआ करता था यानी ट्राई लेटरल हुआ करता था, और उसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, ये तीन देश के सिक्योरिटी से रिलेटेड अधिकारी हैं, जैसे भारत के NSA और उन देशों के रक्षा मंत्री या NSA, वो सब पार्टिसिपेट किया करते थे। मकसद ये है कि समुद्री जो सुरक्षा है वो और मजबूत हो सके, घनिष्ठ सहयोग हो सके और आपस में कम्युनिकेशन बेहतर हो सके, ताकि नार्को तस्करी, मानव तस्करी, समुद्री डकैती, आतंकवाद, इन सब से जो है वो समाधान निकाला जा सके। तो अब क्या हुआ है कि मॉरिशस को चौथे मेंबर कंट्री के रूप में शामिल कर लिया गया है, ओके। तो ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप का कुछ हिस्सा है, और यह रहा प्यारा भारत, ओके, यहाँ पर है श्रीलंका और यहाँ है मालदीव इस जगह पर। तो पहले ये तीन देशों का ट्रायंगल था यानी ट्राइलेटरल ये संगठन था, और अब इसमें मॉरिशस को भी शामिल कर लिया गया है, ओके। मॉरिशस कहाँ पर है? मॉरिशस यहाँ पर है। तो अब ये भी शामिल हो गया यानी ये चतुर्पक्षीय हो गया है, यानी ये क्वाड हो गया है, क्वाड्रिलेटरल हो गया है, समझ गए आप बात। तो 2022 में ये NSA स्तर की का कॉन्क्लेव हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के जो हैं अजीत डोभाल, वो भी इसमें शामिल हुए। 9 और 10 मार्च को मालदीव में आयोजित किया गया, ये भी ध्यान रखने की बात है, मालदीव, ओके। मालदीव ने सदस्य के तौर पर पहली बार बैठक में हिस्सा लिया है, और इस मीटिंग में बांग्लादेश और सेशल्स के प्रतिनिधिमंडल ने भी हिस्सा लिया, लेकिन वो ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चारधाम प्रोजेक्ट की हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा जस्टिस AK सीकरी। न्यूज आप देख रहे हैं द हिंदू में, और ये रहा फोटोग्राफ जस्टिस AK सीकरी का। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में अभी हाल ही में ये नियुक्ति कर दी है। इससे पहले इस कमेटी के चेयरपर्सन थे रवि चोपड़ा, तो उन्होंने फरवरी में ही पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ओके भी कर दिया था। तो अब नए चेयरपर्सन ये बन गए हैं। चारधाम प्रोजेक्ट के बारे में आप जानते होंगे, चारधाम प्रोजेक्ट का उद्देश्य यही कि हिमालय में जो चार धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कनेक्टिविटी यानी रोड को बेहतर करना, बेहतर रोड बनाना पहाड़ों से होकर, ओके। तो इस मामले पर विवाद भी हुआ था कि इससे पर्यावरण संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि जो हिमालय है वो कच्चा पहाड़ कहा जाता है, और वहाँ पर रोड बनाते हैं तो उसके लिए पहाड़ को पर विस्फोटक लगाने पड़ते हैं, उससे पहाड़ के धसकने का या खिसकने का, लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब को देखते हुए कई सारी रिट याचिकाएँ दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और फिर केंद्र सरकार ने कहा कि हमें ये रोड बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीन की सीमा तक हमें अपने जो हथियार है वो ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये रोड,
चारधाम प्रोजेक्ट के तहत जो रोड बन रहा है, इसी के थ्रू हम अपने मिसाइल, अपने टैंक, अपने तमाम जो युद्धक सामान है उन सबको ले जाएंगे। तो उसी के बाद फिर 14 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी, कहा था ठीक है सुरक्षा के मद्देनज़र ये रोड का चौड़ीकरण करना ज़रूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर निगरानी कमेटी का भी गठन कर दिया था और उसमें उसका ये काम था कि वो पर्यावरण संबंधित चिंताओं को देखे और सलाह दे सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को। तो इसके पहले चेयरमैन थे रवि चोपड़ा, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब जस्टिस ए के सिकरी ये बना दिए गए हैं नए चेयरमैन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 के लिए किस भारतीय पुरुष क्रिकेटर को चुना गया है? पुरुष क्रिकेटर, आंसर होगा श्रेयस अय्यर। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, फोटोग्राफ भी ये रहा इनका। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने इनके नाम की घोषणा कर दी है और श्रेयस अय्यर उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों में T20 के सीरीज में शानदार पारी खेली थी, तो इनको पुरुष कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित कर दिया गया है फरवरी का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किस महिला क्रिकेटर को चुना गया है? पिछला था पुरुष क्रिकेटर और ये फीमेल क्रिकेटर की बात हो रही है फरवरी मंथ के लिए। इसका आंसर होगा एमिला केरी, फोटोग्राफ ये रहा, ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है, तो इनको चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये कब मनाया जाता है? नेशनल वैक्सीनेशन डे, आंसर होगा 16 मार्च को। पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है, तो 16 मार्च 2022 को इस साल एक खास सरकार ने काम भी किया है कि सरकार की ओर से यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 12 से 14 वर्ष के उस आयु के बच्चों के लिए COVID-19 वैक्सीन भी शुरू की है, वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया गया है। ओके, 2022 की थीम क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL, तो उसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? आंसर होगा रंजीत रथ, फोटोग्राफ ये रहा रंजीत रथ। तो ये 1 जुलाई को पदभार ग्रहण कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे 1 जुलाई को, तो अभी इनकी नियुक्ति कर दी गई है, ज्वाइन ये आगे बाद में करेंगे। ओके, अच्छा, इससे पहले वो यानी अभी वर्तमान में मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में हैं, भू वैज्ञानिक हैं जी यानी जियो साइंटिस्ट हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड इनके बारे में जानते होंगे, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत एक भारत सरकार की स्वामित्व वाली दूसरी बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक ये कंपनी है ONGC के बाद है। मुख्यालय नोएडा में है, स्थापना हुई थी इसकी 18 फरवरी 1959 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? आंसर होगा कैटलिन नोवाक, फोटोग्राफ ये रहा। ओके, हंगरी में भारत की तरह ही सत्ता का केंद्र जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति कहे जाते हैं, जैसे भारत में वैसे ही वहाँ पर। तो ये पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई है हंगरी की। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? विक्टर ओबान, और वहाँ पर जनरल इलेक्शन भी होने वाले हैं। ठीक है, तो हंगरी कहाँ पर है एक बार मैप के थ्रू भी दिखा देते हैं। तो ये है मैप और ये रहा प्यारा भारत, ये है रूस और ये है यूक्रेन, यहाँ पर जहाँ पर अभी युद्ध चल रहा है। ओके, यूक्रेन के पास में है रोमानिया, ठीक है, जहाँ से भारतीयों को लाया भी गया है। यूक्रेन से पहले भारतीय रोमानिया गए थे या फिर पोलैंड गए थे, तो रोमानिया के पास में ही ये है हंगरी। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ ये देश है। ठीक है, तो राष्ट्रपति बन गई हैं ये। एज कितनी है? उम्र 44 ईयर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, शॉर्ट में कहते हैं NFRA, उसको उसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आंसर होगा अजय भूषण पांडे। 1984 बैच के ये IAS अधिकारी हैं, महाराष्ट्र कैडर के। इनकी नियुक्ति
केंद्रीय कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है उसी ने की है। ओके, और ये जो संगठन है उसका क्या काम है, तो ऑडिटिंग पेशे के लिए एक स्वतंत्र नियामक है। ओके, और इसके पास कंपनियों के जो फाइनेंशियल डेटा है उसकी समीक्षा करने, स्पष्टीकरण मांगने और जो भी ऑडिट होता है उससे संबंधित अनियमितताओं की जांच करने की शक्ति। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 75वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा पुरस्कार 2022 भी कहते हैं इसको, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे चुना गया है? आंसर होगा द पावर ऑफ द डॉग। ओके, ये रही फिल्म द पावर ऑफ द डॉग, इसे चुन लिया गया है। अभी हाल ही में बाफ्टा ने, बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, तो उसी ने ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की है। उसमें कई सारे विजेता हैं, पूरी लिस्ट है। बेस्ट फिल्म तो द पावर ऑफ द डॉग हुआ है, बेस्ट डायरेक्टर जैन कैंपियन है, बेस्ट एक्ट्रेस जोआना एस्कैनलान नाम है, बेस्ट एक्टर है विल स्मिथ, ये पूरे नाम है आप देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले पर जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च कीजिए और आपको लोगो दिखाई देगा, उस लोगो पर क्लिक कीजिए वहाँ पर और डाउनलोड कर लीजिए। और मेंबरशिप भी ले सकते हैं तमाम पीडीएफ के लिए। अब मिलते हैं होली के बाद।